हेलो एवरी वन वेलकम टू आर एस अग्रवाल डॉट कॉम माई नेम इज़ तन्वी अग्रवाल एंड आई एल बी टीचिंग यू जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास सिक्सथ इंग्लिश लैंग्वेज वील बी स्टार्टिंग विथ पैसेजेस और जो पैसेज मैं आपको करवाऊंगी वो इन दोनों बुक्स में अवेलेबल हैं दीज आर द बुक्स बाई रेडियन बुक कंपनी बाई द नेम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास सिक्स दे आर अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस ऑन एमेजॉन फ्लिपकार्ट और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी तो लेट्स स्टार्ट विद पैसेज दिस इज पैसेज फोर फ्रॉम द बुक न्यूज पेपर्स अखबार न्यूज पेपर्स हैव बिकम एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ एंड आ क्रूशियल फॉर अ गुड स्टार्ट ऑफ आर डेज विद द मॉर्निंग कप ऑफ टी न्यूज़ पेपर्स हमारी लाइफ्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं और कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सुबह की चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ें पढ़े तो इट हैज़ बिकम क्रूशियल फॉर अ गुड स्टार्ट अ न्यूज़पेपर इन द मॉडर्न सोसाइटी हैज़ ग्रेट सोशल एंड एजुकेटिव वैल्यू आजकल के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं दे नॉट ओनली प्रोवाइडर्स विद द इन्फॉर्मेशन बट दे ऑल्सो प्रोवाइड विद सोशल वैल्यूज एंड एजुकेटिव वैल्यूज बिफोर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द न्यूज पेपर्स न्यूज पेपर्स दो टाइप के अवेलेबल हैं वन इज़ द नेशनल न्यूज पेपर्स जैसे कि आपके हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया और रीजनल न्यूज पेपर्स जो कि आपको रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं जैसे अमर उजाला दैनिक भास्कर दैनिक जागरण एटसेट्रा तो मूविंग ऑन इट टेल्स अ बिजनेस मैन अबाउट मार्केट ट्रेंड्स अ बुक रीडर अबाउट द लेटेस्ट बुक्स अ स्पोर्ट्स पर्सन अबाउट द लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज एंड सो ऑन Um, कौन कौन से रीडर्स इसको पढ़ना पसंद करते हैं किन किन के लिए इसमें न्यूज़ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है um, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसमें से मार्केट ट्रेंड्स पता लगाते हैं यानी कि शेयर वैल्यू के अप डाउन का उन्हें पता चलता है अ बुक रीडर अबाउट द लेटेस्ट बुक्स जो बहुत बुक्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि इसमें कि न्यूज़पेपर में एक पेज होता है जिसमें आपको बुक रिव्यूज़ पता चलते हैं लेटेस्ट बुक्स के um, जो बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें पता होगा कि लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ भी इसमें इसमें आपको न्यूज़पेपर से आपको मिलती है लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ या जैसे आपके स्कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट्स जो होते हैं और स्पोर्ट्स sports, बाकी स्पोर्ट्समैन के आपको न्यूज़ पता चलती है बट समाइम्स द न्यूज़ पेपर्स प्रेजेंट ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ अ थिंग और इवन पब्लिश फॉल्स रिपोर्ट्स इन सारी इंफॉर्मेशन के बावजूद कभी कभार न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं आपको किसी पर्टिकुलर uh, न्यूज़ की सिर्फ नेगेटिव साइड बताते हैं या फिर फॉल्स रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जो जिससे लोग मिसलीड हो सकते हैं जैसे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं न्यूज़पेपर्स या या um, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो दे मे मिसलीड द पीपल न्यूज़पेपर का क्या काम होता है बेसिकली टू प्रोवाइड यू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो सिर्फ आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एंड देन इट इज़ ऑन यू टू मेक अ डिसीजन सो द न्यूज़पेपर शुड नाट शुड बी अबव सच प्रैक्टिस उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए टू पब्लिश फॉल्स रिपोर्ट एंड नगेटिव एंड टू प्रोवाइड अ नेगेटिव साइड ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़ एंड गिव प्रायोरिटी टू न्यूज़ दैट इज़ ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस और उन्हें कौन सी न्यूज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कौन सी न्यूज़ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए दैट इज़ ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस जो कि पूरे नेशन को जो कि पूरे नेशन के बारे में है

हमारे पास ऑप्शन हैं ऑप्शनल ऑप्शनल मीन्स हमारे पास ऑप्शन हैं एंड वी कैन चूज अमंग रेगुलर रेगुलर मीन्स डेली हर रोज रिक्वायर्ड मीन्स नेसेसरी दिस कैन बी द ऑप्शन दिस कैन बी द करेक्ट आंसर बट लेट्स रीड द लास्ट ऑप्शन सेकेंडरी सेकेंडरी का मतलब होता है दूसरा जैसे अगर आप आपके पास दो पेन्स हैं और आप एक ही पेन से लिखते हैं दैट इज योर फेवरेट पेन तो जो दूसरा पेन होगा दैट विल बी सेकेंडरी तो इट इज नॉट बी नेसेसरी सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी रिक्वायर्ड विच ऑज द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ न्यूज इनमें से कौन सा न्यूज का डाउन नहीं है दे प्रेजेंट ओनली द नेगेटिव साइड एंड नेगेटिव ओपिनियंस दे शो फॉल्स रिपोर्ट्स

That is all for today. Um, if you like the video, please like and subscribe. Thank you.